तो यार हम सब ने बचपन में GTA वाइस सिटी तो खेला है, तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ GTA 6 के ट्रेलर में। और जिन लोगों ने GTA के गेम खेल रखे हैं ना, तो उनकी कुछ पुरानी यादें हैं GTA के साथ। तो चलो देखते हैं यार कि GTA 6 का ट्रेलर कैसा है। तो यार मैंने ना एक बार सुबह उठ के ट्रेलर देख लिया था 5 बजे, जिस टाइम आया था वो। उस टाइम मैं नींद में था, तो मतलब अच्छे से नहीं देखा है। Do you know why you're here? Bad luck. भाई इसके ग्राफिक देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हाई एंड पीसी चाहिए होगा जिसमें अच्छे से भाई ये चले। तो ये गेम पहले PS5 में और Xbox में चलेगा, PC के लिए ये 2 साल बाद आएगा। जिस टाइम मैं शूट कर रहा था मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा भी है इन्फॉर्मेशन कुछ। मैं सोचा PC के लिए भी एक साथ देंगे, बट नहीं दे रहे हैं। चलो तो कोई नहीं, अब इंतजार करेंगे हम। I guess. वैसे ना मैंने GTA के 3 या 4 गेम खेल रखे हैं। वाइस सिटी हो गया, और GTA 4, GTA 5 और GTA San Andreas। उसके अलावा कोई गेम नहीं खेल रखा, लेकिन GTA 6 का बोल लें कि मैप भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। और भाई ग्राफिक्स तो इतने तगड़े लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि मूवी का कोई ट्रेलर चल रहा है। वैसे मैं रिव्यू इतने अच्छे देता नहीं हूँ, बट ऐसे मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा बोल। ये रोड मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि GTA वाइस सिटी में थी शायद से, मतलब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसके बगल में बीच था और रोड थी उसके उधर होटल, और वहाँ पर कुछ मिशन भी हुआ करते थे यार उसके। ये तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत बोली हैं, तो इसलिए मैंने वो ट्रेलर में से कट कर दिया, ट्रेलर इसलिए थोड़ा सा छोटा कर दिया। एंड आई होप कि यार फर्स्ट रिव्यू था आपको पसंद आया हो। तो गेम का ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि गेम भाई बहुत तगड़ा होने वाला है। तो जो लास्ट GTA का गेम आया था ना, GTA 5, वो आया था 10 साल पहले 2013 में, और भाई आज 2023 हो गए, लेकिन अभी भी गेम वो टॉप में चल रहा है। GTA वाले गेम बनाते हैं टॉप नॉच। भाई आप लोगों में से किन लोगों ने GTA वाइस सिटी खेल रखा है? मेरे को तो याद है कि यार एक उसमें मिशन हुआ करता था जिसमें आपको हेलीकॉप्टर से वो बम लगाने होते थे बिल्डिंग में। वो मुझे सबसे टफ मिशन लगा था GTA वाइस सिटी का। वो मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैंने 10-15 बार ट्राई कर लिया था। फिर एक बार मेरे भैया आए थे, तो मैंने भैया से कराया था, तो उन्होंने कर लिया था। और मैंने GTA वाइस सिटी के ही ज़्यादा मिशन कर रखे हैं। मैंने GTA 3 खेला है, GTA 5 खेला है, बट उसमें कोई मिशन ऐसा किया नहीं है मैंने। हमारी जो जनरेशन है ना, वो सोशल मीडिया से थोड़ी पहले आई थी, तो हम ऐसे गेम खेलते थे भाई, GTA वाइस सिटी। स्कूल में जाते थे तो बच्चे चीट कोड लिख के लाते थे कॉपी में, फिर हम कॉपी करके अपने उसमें ले आते थे, फिर ट्राई करते थे। चलो भैया GTA 6 का तो हमारा रिव्यू हो गया है, अब मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। तो यार यही था एक छोटा सा रिव्यू GTA 6 का, और आई होप कि आपको पसंद आया। यार पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताना कैसा है। तो यार मेरा एक चैनल हुआ करता था जिसमें मैंने स्टार्ट करी थी अपनी व्लॉगिंग, तो उसको मैंने बंद कर दिया था, फिर ये चैनल स्टार्ट कर दिया। उस चैनल पे 1.3K सब्सक्राइबर हैं, और उस चैनल पे मैं अब डालने वाला हूँ वीकली रनिंग के व्लॉग्स। सिर्फ उसमें रनिंग की बातें होंगी और कुछ ज़्यादा बातें नहीं होंगी, रनिंग प्लस डाइट की। अगर कोई रनिंग में इंटरेस्टेड है और व्लॉग्स देखना चाहता है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैंने कोई वीडियो डाली नहीं है, तो शायद मैं डाल दूंगा 2-4 दिन में। तो देख लेना यार, जो रनिंग करता है, जिसको इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत हम कनेक्शन करेंगे। भाई आज मैंने व्लॉग बना रहा था, ये मेरी टेबल थी, ये इसका ये अलग हो गया, और ये इसका देखो अलग हो गया। ये ऐसे लगता है, यहाँ पे इसके मे बी 2 स्क्रू बचे थे और ये निकल गए। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इसे फिक्स कैसे करूँगा। ये ऐसे जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगा रहा था, मैंने कील ठोक दी, कील इस फ्रेम से बाहर निकल गई, उल्टा फ्रेम फट गया। चलो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा इससे। ये देखो यहाँ से ये फट गया है। यहाँ ना उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और मुझे पसीना भी ज़्यादा आ ही जाता है। तो आज हम लगाने वाले हैं ब्लैक स्क्रीन या ब्लैक पर्दा।
ये बना दिया हमने वीडियो के लिए बैकग्राउंड। देखो अभी 12:17 हो रहे हैं, तो देखते हैं कि कितनी देर तक हमारा शूट चलता है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि यार मैंने 2 कैमरे की बैटरी ले ली, तो अभी शूट करते करते ना मेरी बैटरी खत्म हो, तो मैं अभी दूसरी बैटरी से शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो भैया अभी हो रहे हैं 12:40 और जो हमारा अनबॉक्सिंग का शूट था वो कंप्लीट हो चुका है। और भैया लाइटिंग काफ़ी परफेक्ट आ रही है, क्योंकि मैंने जो लाइट है ना ऊपर लगाई है, देखो जुगाड़ करके। अभी जितना सामान इधर उधर कर रखा है सब ठीक करना पड़ेगा।